सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड थ्री एक्टिविटीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका क्या लॉजिक है, और जो थ्री एक्टिविटीज हैं इसकी उनका क्या बेसिक लॉजिक है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो नोन एज अ स्टेटमेंट ऑफ अ कैश फ्लो इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज हाउ चेंज इन बैलेंस शीट अकाउंट्स एंड इनकम अफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड breaks the analyzed down to operating, investing and financial activity. Cash flow statement को हम financial accounting में statement of cash flow भी कहते हैं और financial statement में इसकी बहुत अहमियत है, इसका बहुत role है और इसको cash flow statement को financial statement में लिखा जाता है। Cash flow नाम से ही पता चल रहा है कि cash के flow को मतलब cash के आने और जाने को एक स्टेटमेंट में लिखना, हम उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश की आने और जाने की फ्लोमेंट को हम जो एक पेपर की फॉर्म में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं उसको कहते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो है इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में भी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कंपनी की पड़ता है। और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहली हम देखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, हमने कितनी प्रोडक्शन बनाई, कितने प्रोडक्शन पे हमारा कैश लगा और कितनी सेल्स हुई और कितना कैश हमारे पास आया, कितनी कैश की हमने सैलरीज दी मजदूरों को, लेबर्स की सैलरीज दी, कितनी हमने वेजेस दी, कितनी हमने किराया दिया, कितनी हमारी मशीनरी रिपेयरमेंट कितनी है, कितनी हमने अलाउंस की, कितनी हमारी डायरेक्टर की सैलरी थी, कितनी उनको बेनिफिट्स दिए। तो ये जो सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये जो ऑपरेटिंग के टाइम जो हमारे कैश की फ्लोमेंट होती है, आते हैं जाते हैं, सेल्स के जरिए से कैश आता है, तो ये हम एक एक्टिविटी क्रिएट कराते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसे हम नज़र रख सकते हैं कि कैश की फ्लोमेंट हमारी कैसी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए से। आगे है इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो मैट में हम देखते हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करती हैं, दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदती हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, थ्रू द स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कि कैश की फ्लो मैट इन्वेस्टमेंट में कैसी है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट से हमने गेन किया है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट में कैश का फ्लो हो रहा है, कितना उधर से आ रहा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हम क्रिएट कराते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो आगे है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये भी आती है कि सबसे पहले जब भी हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट बनानी है तो हमने देखना है पैसा किधर से आ रहा है और जो पैसा आ रहा है वो किधर से आया है, मतलब बैंक से लोन लिया है या डिबेंचर्स इशू किए हैं या शेयर्स इशू किए हैं, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी क्रिएट कराते हैं कि कैश की फ्लोमेंट कैसी है, पैसा किधर से आ रहा है और किधर लग रहा है और किधर जा रहा है। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ज़रिए से हम ये फ़ायदा उठाते हैं कि कितने लगे हैं, कितने आए हैं, तो किधर आया है, किधर क्या है पैसा। आई होप दोस्तों आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।